الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم المقام واجب الاحترام حضرات سامعین کرام آج کی جمعہ کی اس نشست میں قرآن مجید فرقان حمید 21वें पारा सूरह रूम की आयत नंबर 41 तिलावत की है। इस आयत के ज़ेल में एक मौजू जो चला आ रहा था और उसके एक ज़ेली उनवान फिर आपके सामने शुरू किया। मौजू जो चला आ रहा था वो तो था कि मुआशरा में, मुल्क में, रियासत में, घर में, घराना की सतह पर, इंसान की जिंदगी में जो बहरान, मुसीबतें, परेशानियां, नुकसान, आफतें, मसाइब, मुसीबतें आती हैं, क्या ये एक इत्तेफाकी अमर होता है या इसके पीछे कुछ इस्लामी हिदायत, इस्लाम की रूह से कुछ असबाब भी होते हैं। चुनांचे ये मौजूद तकरीबन शुरू हुए, आज 9वां या 10वां जुमा होगा, लेकिन इस मौजू के ज़ेल में एक ज़ेली उनवान आपके सामने रखा था कि बरकत को बेबरकती के असबाब व असरात और इस्लामी तालीमात के तनाजुर में, तो बरकत बेबरकती के असबाब व असरात इस्लामी तालीमात व हिदायात के तनाजुर में ये सिलसिला जो शुरू है आज इससे मुताबिक तीसरा जुम्मा है। तो इसमें भी आप हजरात के सामने ये बात बयान की जाएगी कि कुरान और सुन्नत की रूह से, इस्लामी हिदायत की रूह से बरकत के क्या असबाब होते हैं और बेबरकती के क्या असबाब हो सकते हैं। चुनांचे बहुत सारे ऐसे असबाब व असरात तो बयान हो चुके, इन्हीं में से ये भी है कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन करा यासीन फी सदर नहार कुदियत हवाइजू, कि जो शख्स दिन के अव्वल हिस्से में सूरह यासीन पढ़ लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दिन के जो हवाइज हैं, जरूरतें हैं, हाजात हैं, वो खजाने गैब से पूरा फरमाते हैं। अब ये सूरह यासीन का पढ़ लेना इब्तदाए दिन में, इब्तदाए नहार में, ये एक अमल है। और जाहिर बात है, मैंने पीछे ये बात भी आपके सामने की थी कि नेक आमाल की वजह से, इबादात की वजह से अल्लाह तबारक व तआला इंसान को उसकी रोजी में बरकत अता फरमाते हैं, फरावानी और खुशहाली अता फरमाते हैं। और गुनाह, मासीयत, खता, सैया, नाफरमानियां, बगावतें,
इससे इंसान की जिंदगी तंग हो जाती है। चुनांचे इस पर पीछे भी काफी दलायल ला चुका हूं, तो यहां ये रिवायत जो मैंने आपके सामने पेश की है मौजमे तबरानी के औसत, मौजमे तबरानी की जो रिवायत है उसके अंदर, जो मौजमे तबरानी किताब है औसत, उसके अंदर ये रिवायत मौजूद है। इसी तरह अब ये एक नेक अमल है सूरह यासीन का पढ़ लेना कि इसकी वजह से अल्लाह दिन भर की जरूरतें उसकी पूरी फरमाते हैं। इसी तरह एक रिवायत जो मैं पहले भी दो मरतबा पेश कर चुका हूँ कि आप इस्लाम ने जो फरमा दिया कि अगर दिन के अव्वल में इंसान चार रकत से आजिज न बने, यानी चाश की चार रकत, तो दिन पूरा दिन अल्लाह ताला उसकी किफायत का और किफायत का जो है वादा फरमा रहे हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो चाश की नमाज है चार रकत, इसके पढ़ने से इंसान की दुनियावी जरूरियात अल्लाह ताला पूरी फरमाते हैं, इसको बरकत अता फरमाते हैं। तो इस रिवायत में चाश्त की नमाज को इंसान की मोमिन की रोजी के हुसूल और बरकत के लिए सबब और बायस बनाया गया, इसको चार रकात नमाज चाश्त। और पहली रिवायत में सूरह यासीन को पढ़ लेना, तो ये वो आमाल हैं जिनका रिवायत से सबूत आ रहा है। इसी तरह एक रिवायत में है, ये तो दिन के अव्वल के हिस्से के दो मामूल आपके सामने मैंने रखे, रात का मामूल के एक रिवायत में जैसे जो आदमी रात को सूरह वाकिया पढ़ता है वो कभी मोहताज नहीं होगा, उसको फाका नहीं पहुंचेगा, फकर नहीं पहुंचेगा। आप देखें ये रात का अमल है, रात के वक्त सूरह वाकिया पढ़ लेने से अल्लाह ताला इसको फाके से, फकर से और हद दर्जे जो गुर्बत इंसान को बिठा के रख देती है, तो ऐसी चीज से, ऐसे फकर से अल्लाह ताला इसकी हिफाजत फरमाएंगे। तो ये रात का अमल मैंने आपके सामने रखा। इस तरह की कई रिवायात में अल्लाह ताला के नबी ने हमें दिन और रात, सुबह और शाम के कुछ मामूलात बताए हैं कि जिनको अदा करने से इंसान की रोजी में बरकत आती है। ये मैंने तीन आपके सामने रख दी। इसी तरह एक शख्स ने रोजी में कुशादगी के बारे में पूछा तो उसको फरमाया कि बावजू रहा कर। तो वजू में रहना भी, मोमिन जो मुसलमान अक्सर औकात वजू में रहता है तो उसके रिज़्क में भी बरकत आती है, कुशादगी आती है। जाहिर बात है जब इंसान बावजू होता है, वजू में होता है, तो उसकी वजह से वो फरिश्तों का सा माहौल हासिल करता रहता है, पाक होता है, तो पाक माहौल में क्या है फरिश्ते आते हैं। तो अब बावजू आदमी उसकी कोशिश भी होती है कि गुनाहों की मजलिसों से अपने आप को बचाए। जैसे इंसान रोजे में होता है ना, तो रोजे में एक कैफियत उसकी ऐसी बनी होती है चाहे आगे पीछे वो जिस किस्म का आदमी हो, लेकिन रमजान में उसकी कोशिश होती है मैं कोई अच्छी मजलिस इख्तियार करूं, क्यों, वो रोजे में होता है। ऐसे ही एक आदमी जब ये सोच में होता है कि मेरा वजू है और मैं बावजू हूं, तो वुजू के इस तसव्वुर को सामने रखते हुए उसकी खुद कोशिश ही होती है कोई अच्छे अमल करे, अच्छे लोगों की मजलिस इख्तियार करे। चुनांचे अल्लाह ताला उसको उसकी सोच के मुताबिक गुनाहों की मजलिसों से बचाते रहते हैं। तो रिजक में कुशादगी बरकत का एक सबब बावजू रहना भी बताया गया। एक और ने जब कहा कर्ज है, माली बहरान है, परेशानी है, माशी तंगी है, तो उसको बताया, फरमाया कि अल्लाहुम्म अग्फिनी बिहलालिका अन हरामिक व अग्निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवा, ये दुआ पढ़ लिया। यहां देखें दुआ सिखाई जा रही है कि कर्ज से बचने के लिए, कर्ज है तो उसकी अदायगी के लिए, और कितने खूबसूरत अंदाज में अल्लाहुम्म अग्फिनी बिहलालिका अन हरामिक, ए अल्लाह मुझे हलाल इतना दे कि हराम से बच जाऊं, وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ, اے اللہ اپنے فضل سے مجھے اپنا ہی محتاج رکھنا, کسی اور کا محتاج نہ کرنا, کیونکہ اللہ کے در کی محتاجی فریاد اور اللہ کے در پر گڑگڑانا, اللہ سے مانگنا یہ سعادت ہے, اور اللہ سے ہٹ کر کسی اور کے در سے مانگنا, امید رکھنا, تمہ رکھنا, لالچ رکھنا, مانگنا
ये उसकी इज्जत नफ्स के लिए की मजरूहियत का बायस है। चाहे कोई दुनिया में जितना ही सखी क्यों ना हो, जितना ही सखी क्यों ना हो, वो मांगने वालों को अता तो कर देता है, दे तो देता है, लेकिन उसकी नजर में उन मांगने वालों की वो वक़ार, वो हैसियत या वो नहीं होती इस तरह का जज्बा कि अगर ना मांगता तो मैं नाराज होता, मांग लिए चलो अब देना पड़ेगा दे देता हूँ, लोग मुझे वैसे भी सही कहते हैं, लेकिन अल्लाह का डर वो है कि ना मांगे कोई तो वो नाराज होता है, मांगे और ज्यादा मांगे, खुल के मांगे तो वो खुश होता है, वो खुश होता है। इसलिए अल्लाह से मांगो, आपने इस्लाम ने क्या फरमाया, अल्लाह से जब दुआ करो जन्नत का तो जन्नत और फिरदौस मांगा करो, क्योंकि जब बड़े से मांगते हो तो उसकी शान के मुताबिक मांगो। हम दुनिया वालों से तो उसको मांगते हैं और साथ उसकी हैसियत को भी देखते हैं कि पता नहीं इतना दे सकता है नहीं दे सकता, तो कहते जी उसी ज्यादा नहीं कितना दे शुरू तो बड़ी मेहरबानी उसी, लेकिन अल्लाह का दर तो ऐसा है कि उसमें क्या फरमाया कि अव्वलीन व आखिरीन इंस व जिन सारे अगले पिछले इकट्ठे हो जाएं, सब अपनी अपनी मर्जी और अपनी जरूरत और सोच और तसव्वुर के मुताबिक अल्लाह से मांगते चले जाएं, अल्लाह हर एक को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक देता चला जाए, तो फिर भी सबको देकर अल्लाह के खजानों में इतनी कमी भी नहीं आती जितनी सुई दबो के कोई निकाले उसके साथ कोई पानी सुई के साथ कितना लगेगा समुंदर का, इतनी कमी भी नहीं आती। तो ये है अल्लाह का दर। बहरहाल मैंने कई आमाल दुआएं मामूलात आपके सामने रखे और रिवायात की रूह से रखे जिनसे ये पता चला कि इंसान अगर अपने माली खुशहाली चाहता है, वो माली फरावानी और बरकत चाहता है, तो वो इन आमाल को बजा लाए जो मैंने आपके सामने बयान किए रखे। देखें ये भी है ना कि अल्लामा बेहदी इमाम बेहदी रहमतुल्लाह अलैह वो हजरत काब रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत लाते हैं कि अल्लाह ताला हर जमाना का जो बादशाह है उस जमाना वालों के दिलों के हालात के मुताबिक भेजता है। तो क्या मतलब, इससे ये पता चला इंसान अगर चाहता है मेरी माली पोजीशन दुरुस्त हो जाए, मेरे मुल्क की माली पोजीशन दुरुस्त हो जाए, मेरे मुआशरे की जो है माशी पोजीशन दुरुस्त हो जाए, तो उसको अपने आप का जायजा भी लेना होगा, ऑडिट करना होगा, एहतिसाब करना होगा, देखना होगा कि उसका दिल अल्लाह की मोहब्बत उसमें है या नहीं है, अल्लाह वालों की मोहब्बत है या नहीं है, कहीं उसके दिल में फुसाक व फुजार और कुफार की मोहब्बत ना बैठी हुई हो, कहीं उसके दिल में और उलमा और औलिया और नेक लोगों की नफरत ना बैठी हुई हो। अगर ऐसी बात है तो ये भी उसकी तबाही और बर्बादी का सबब है। नेक लोगों से मोहब्बत, उलमा से मोहब्बत, उनसे अकीदत, और ये भी नहीं है कि दो चार मर्जी के मौलवी वो तो उलमा हो गए, उन पर तकिए लगा के बैठ गया इंसान, और 95-98% जो उलमा का तबका है उन पर आग बरसाना शुरू कर दी, ये भी हमाकत है, ये भी तबाही है, बर्बादी है, ये शैतान ने उसमें पट्टी पढ़ा रखी है कि शायद वो उलमा का बड़ा एहतराम करता है, दावे तो करता है, लेकिन हकीकत में वो उलमा का गुस्ताख होता है। तो इसलिए इस चीज की भी रखें और याद रखें, अगर उलमा की नफरत, अहले इल्म की नफरत, दीनदार लोगों की नफरत हमारे दिलों में खुदा ना खास्ता आ गई, तो ना अपनी जिंदगी में दीन रहेगा, हया रहेगा, और ना अपनी नस्ल में औलाद में आगे कोई हया वाला और नेक आदमी पैदा होगा, ये पक्की बात है। इसलिए इसमें भी बहुत ज्यादा एहतियात की जाए, कतान नहीं हो सकता, कहीं अगर कोई इक्का दुक्का नस्लों में आ भी गया ना इस तरफ तो वो कुछ दिनों का मेहमान होगा, फिर वापस जाने वाला मेहमान होगा। इसलिए हमें साथ ये सोचना चाहिए कि हमारे दिलों में उलमा नेक लोगों की औलिया उल्लाह की नफरत तो नहीं बैठी हुई, दानिस्ता नादानिस्ता कहीं हालात के फिजा के माहौलियात के रो में बहते हुए हम कहीं दानिस्ता नादानिस्ता
उलमा और औलिया और नेक लोगों की नफरत को अपने दिलों में बिठा के कहीं उनके खिलाफ तो नहीं बोल रहे, उनके खिलाफ तो नहीं लिख रहे, इसका जायजा भी हमें लेना होगा। तो बहरहाल ये इस वजह से भी कि एक हदीस है, ये मैंने इस वजह से भी कहा कि एक और रिवायत में आपके सामने पेश करता हूँ कि जिस रिवायत में ये रिवायत मुस्तदरक हाकिम इमाम महातिम रहमतुल्लाह अलैह लाए, इस रिवायत में क्या है, फरमाया अल बरकतु मअल अकाबिर, बरकत बड़ों के साथ होती है। बरकत किसके साथ होती है? बड़ों के साथ। तो मेरा मौजू भी उनवान भी यही चल रहा है कि बरकत और बेबरकती के असबाब व असरात इस्लामी तालीमात के तनाजुम में। तो इस रिवायत का जरा जायजा लें, हमारे आपके नबी सारी कायनात के नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद फरमा रहे हैं अल बरकतु मअल अकाबिर, बरकत बड़ों के साथ होती है। बड़े कौन है? सवाल ये बड़े कौन है? बड़े वो भी हैं जो खानदानी हैं, नस्बी हैं, खूनी रिश्ते में हैं, अबाओ अजदाद हैं, वालिद हैं, वालदैन हैं, बाप दादा हैं, ये भी बड़े। ये तो हो गए खानदानी बड़े। बड़े वो भी हैं जो आपको आपका मजहब सिखाते हैं, आपको आपके बच्चों को कुरान सिखाते हैं, आपको आपके बच्चों को अहादीस सिखाते हैं, जो इस्लाम की बातें सिखाते हैं, जो सीरत के खूबसूरत गोशे आपके सामने खोलते हैं, मिंबरों में हराम में खोलते हैं, मिंबरों में हराम में आपके सामने इस्लाम को खोल खोल के बयान करते हैं, चौकों चौराहों में बयान करते हैं, कहीं दर्स में, कहीं दर्स कुरान में, कहीं दर्स हदीस में, कहीं दर्स फिकही मसाइल में, कहीं तसव्वुफ की लाइन से खानकाहों में बैठे हुए, और कहीं मास्करों में, जिहाद के जिहादी मोर्चों में, जिहाद के कैंपों में बैठे हुए, और कहीं बाबिल की आंखों में आंखें डाल के हक की सदा बुलंद कर रहे होते, ये लोग हमारे बड़े। जो काम मुझे आपको हर फर्द को बहसीत मुसलमान करना चाहिए, इस्लाम का दिफा हर महाज पे, हम नहीं कर पा रहे, बैठे हैं घरों में, सुबह जाते हैं माश पे, कमा के लाते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं, वक्त गुजार के रात को सो जाते हैं, सुबह उठ के फिर निकल जाते हैं कमाने के लिए। वो लोग जो अपनी जान हथेली पे रख के मुख्तलिफ महाजों पे उलमा ही हैं, जो अल्लाह का पैगाम मखलूक तक पहुंचा रहे, जो अल्लाह ताला की तौहीद दुनिया तक पहुंचा रहे, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस अंबिया आपकी खत्मे नबुव्वत का पैगाम दुनिया को पहुंचा रहे, जो सहाबाए इकराम के नामूस की हिफाजत फरमा रहे हैं अपनी जानों पर खेलते हुए। देखे ना, अभी दो हफ्ते पहले मौलाना मसूद रहमान उस्मानी, कितनी बड़ी शख्सियत, सारी जिंदगी इस्लाम की खातिर, सहाबा के तहफ्फुज़ नामूसे सहाबा की खातिर कुर्बानियां, खिदमात, उनकी कितनी ज्यादा खिदमात और कुर्बानियां हैं, फिर आखिर जामे शहादत नोश फरमा गए, दिन दिहाड़े गोलियां मार दी गई, चेहरे के अंदर 30-40 गोलियां उनके सर में उतार दी गई। क्या मसला था? कोई जायदाद का मसला था? कोई कारखाने का मसला था? कोई दुकान का मसला था? नामूसे सहाबा की अजमत, अजमत सहाबा और नामूसे सहाबा के तहफ्फुज का मसला था। ये कौन है? ये हमारे उलमा हैं, सरों के ताज हैं, सरों के ताज हैं। इसलिए कभी हमारी जुबान, हमारा हाथ उलमा के खिलाफ ना लिखे। अगर कोई ऐसा लिखता है, अल्लाह उसको हिदायत दे, कम अज कम आप उसके साथ उसकी उस तबाही और बर्बादी में शरीक ना बने, उसको भी समझाएं कुछ खुदा का खौफ कर। ये सब कुछ इधर ही रह जाएगा, तुम्हें वहां पता चल जाएगा आशर के मैदान में क्या करते रहे, किन का साथ देते रहे हो, ये हमें पता चल जाएगा। तो अल बरकतु मअल अकाबिर, बरकत बड़ों के साथ होती है। बड़े कौन है? मैंने कहा एक हमारे खानदानी खूनी नस्बी इतिबार से बड़े हैं, जिनको हम बड़े समझते हैं, उनकी बड़ी कदर करते हैं, इहतराम करते हैं। हमारा दादा है, परदादा है, नकरदादा है, खकरदादा है, सकरदादा है, उनकी तो बड़ी परवाह करते हैं, खानदान का बड़ा है। बल्कि 400 साल पहले इससे गुजरे हुए हमारे खानदान के कोई आदमी का नाम हमें पता चल जाए, हम उसकी भी बड़ी कदर करते हैं, किसी को उसके खिलाफ बोलने नहीं देते। लेकिन अपनी जुबानों से, हाथों से उलमा और मजहबी जो हमारे बड़े हैं, मजहब के बड़े हैं हमारे, जो हमें मजहब सिखाते हैं, हम उनके बारे में जुबानें भी गलत इस्तेमाल करें,
हाथ गलत इस्तेमाल करें बड़ी तबाही बर्बादी है। वो अगर हमारे बड़े थे खूनी रिश्तों में तो उनका कोई कमाल नहीं था, अल्लाह ने तकवीनी निजाम में हमारा बड़ा बना दिया। लेकिन अगर मजहब में हमारे कोई बड़े उलमा हैं और जान हथेली पे लेके दीन की इस्लाम की हिफाजत करते हुए वो आते हैं मैदानों में हमें जगाते हैं समझाते हैं तो ये लोग वाकई कमाल वाले लोग हैं, ये किरदार वाले लोग हैं। इनका एहतराम उनसे भी ज्यादा होना चाहिए, इनका एहतराम उनसे भी अपने बाप दादा से भी ज्यादा होना चाहिए। वो तो तकवीनी निजाम में हमारे बड़े बन गए, ये तशरीई निजाम में अल्लाह का पैगाम दुनिया को तक पहुंचाते हुए हमें समझाते हुए इस्लाम की हिफाजत करते हुए हमारे बड़े। तो इसलिए इस नुक्ते को भी समझना चाहिए। अल बरकतु माल अकाबिर, यकीनन पक्की बात है। हमारे उस्ताद हैं मौलाना खलील रहमान साहब शेखुल हदीस व तफसीर हजरत अबुल हसन हजरत मौलाना खलील रहमान नोमानी दामन बरकातुहु अलिया, आप भी यहाँ कई मरतबा तशरीफ लाए हैं। हमारे केबीके के सबसे मायनाज शेखुल हदीस व तफसीर हैं, अल्लाह ने उनको बड़ा इल्मी मकाम दिया है। पीरे तरीकत रहबर शरीयत भी हैं जिनके कोई दर्जनों या सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में शागिर्द हैं, बल्कि मैं कहूं उनके शागिर्द लाखों में जा रहे हैं तो मुबालगा नहीं होगा, जिनको अल्लाह ने बहुत बड़ी बहुत ज्यादा जहानत से भी नवाजा है, बहुत बड़ी सलाहितों से भी नवाजा है। दरसो तदरीस के मैदान में वो अपनी मिसाल आप हैं। मुश्किल से मुश्किल किताब भी उनके सामने पेश की जाती है तो यूं चुटकियों में हल कर देते हैं। वो एक मरतबा फरमाने लगे, देखो उलमा नेक लोगों की नाकदरी से बचना। उन्होंने एक मिसाल दी, उन्होंने कहा एक लड़का था पोजीशन होल्डर, पोजीशन लेता था, तो कुछ अरसा बाद ऐसे हुआ करते करते वो पोजीशन तो दूर की बात रही, वो पास भी नहीं हो रहा था, फेल हो रहा था। एकदम ग्राफ आसमान से जमीन पर कैसे आया, असातिज़ा भी परेशान, उसके बड़े भी परेशान। तो एक मरतबा ऐसे हुआ कि एक साल की इब्तिदा में मजलिस लगी थी, हज़रत शेखुल हदीस साहब बयान फरमा रहे थे, उसका वालिद भी बैठा था, और शेख साहब ने चलते हुए फरमाया उलमा की नाकदरी से उनके इस खिलाफ बदजुबानी से बचना। मुफ्ती रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ना, उलमा का जो गुस्ताख होता है उसका मुंह भी कब्र में किबले से फेर दिया जाता है, और आगे फरमाते तुम्हें शक हो कब्र खोल के देख लेना। अच्छा खैर ये उनकी बात है, मैं शेखुल हदीस साहब की बात कर रहा था। तो मौलाना फरमान लगे शेखुल हदीस साहब कि उलमा की नाकदरी करोगे तो याद रखो तुम्हारी नस्लों में कोई आलिम पैदा नहीं होगा, कोई दीनदार हाफिज कारी पैदा नहीं होगा, अच्छा आदमी पैदा नहीं होगा, और अगर कोई इक्का दुक्का आया भी तो कुछ दिनों का मेहमान आएगा। हाँ सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। मैं ऐसे उलमा को भी जानता हूं जो खुद तो मेंबरों में हराब वाले थे, उन्होंने अपनी औलादों को सिर्फ दुनिया पढ़ानी शुरू कर दी, डॉक्टर बने इंजीनियर बने फलां बने, ठीक है बने अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने मदारिस के निजाम को खिफत से इस अंदाज से हालत पेश किया कि अपने बच्चों को ना हाफिज बनाया ना कारी बनाया ना आलिम बनाया ना उनको कोई अच्छा मुसलमान बनाया, बस वो दुनियादारों के साथ रंग मिल के दुनियादार ही हो गए। तो ऐसों को मैंने जब देखा तो उनके जब वो फौत हुए ना ऐसे उलमा, तो उनकी किताबें फिर बिकने के लिए बाजारों में आई, फिर उनकी किताबों को इल्मी सरमाए को संभालने वाला कोई नहीं था, फिर सालों पर उनकी किताबें बिकी आगे और उस घर से इल्म का किताब का सफाया हो गया। फिर लोग मिसालें दिया करते थे, ये जो फला हजरत है चुंड मुंड टोंड, इसका कोई दादा पर दादा पीछे बहुत बड़ा मौलवी हुआ करता, फिर अफसाना बन गया। लेकिन उधर से मैंने ये भी देखा कि जो लोग उलमा की कदर करते थे, आम लोग थे, उलमा से मोहब्बत रखते थे, उनके घरों में चार चार उलमा पैदा हुए, छह छह उलमा। आज कई ऐसे लोग हैं माशरे में जो दीनदार हैं और उलमा से मोहब्बत रखते हैं, खुद आलिम नहीं है लेकिन उनके घरों में कई कई उलमा बैठे।
हुफाज बैठे हैं, कुर्रा बैठे हैं, दीनदार लोग बैठे हैं, उनके घर मरकज है हिदायत के, तो लाजमी है कि उलमा से मोहब्बत। तो शेख साहब फरमाने लगे, इसलिए अपने नस्लों को मैं अगर दीन फैलाना चाहते हो ना, उलमा पैदा करना चाहते हो, तो उलमा से मोहब्बत करनी पड़ेगी। शेखुल हदीस मौलाना ज़हरी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं, वो फरमाते हैं देखो आलिम अगर किसी जगह बद किरदार भी तुम्हें नजर आए, तुम्हारा उससे झगड़ा नहीं पड़ा, तुम्हें उसके बारे में गवाही नहीं तलब की गई, तो खामखा उसकी पगड़ी उछालना, उसको आलिम के नाम के साथ बदनाम करना, मौलवी है मौलवी है, दर्जी बुरा काम करे दर्जी बुरे नहीं होते, कोई इंजीनियर कोई गलत काम कर ले आप इंजीनियरों को तो गालियां नहीं देते, कोई डॉक्टर एक आदमी बुरा नासूर निकल आए तो आप सारे डॉक्टरों को तो बुरा नहीं कहते, क्या वजह है कि कोई हाफिज कारी आलिम अगर एक का दुक्का कोई इस तरह का खराब दाना निकल आता है तो आप उसको लेकर सारे मौलवियों पर चढ़ाई शुरू कर देते हैं। ये शैतान के चेहरे होते हैं जो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। क्या करें, अर्ज कर रहा था कि उन्होंने फरमाया कि अगर चाहते हो तो फिर तुम्हें उलामा का एहतराम करना पड़ेगा, वगरना फिर नस्लों में कोई आलिम पैदा नहीं होगा, फिसल जाएगा। प्यार खत्म हुआ, वो आदमी आगे आया उस लड़के का वालिद, आकर शेखुल हदीस साहब से कहने लगा मुझे समझ आ गई है मेरा बेटा हीरो से जीरो कैसे हुआ, मुझे समझ आ गई आसमान से जमीन पर पोजीशन होल्डर फेल क्यों होने लगा, मैं एक फना अपने सियासी नुक्ते नजर से फना एक मौलवी साहब के बारे में मैंने एक अरसे से अपनी जुबान को गंदा कर रखा है, ये जो गंदगी चल पड़ी हमारे मुआशरे में लोग इसकी रो में बह जाते हैं, कोई उनको पता नहीं होता हम क्या भांप रहे हैं क्या कर रहे हैं, अंधा शख्सियत परस्ती में इतने आगे चले गए बर्दाश्त ही कोई नहीं, तो कहते हैं मुझे समझ आ मैं आज से तौबा तायब होता हूं, आज से मेरी जुबान किसी आलिम के बारे में नेक आदमी के बारे में नहीं खुलेगी, इंशाल्लाह खुलेगी तो तारीफ के साथ इंशाल्लाह। उसने दो तौबा तायब हुआ तो कुछ अरसा बाद उसका बच्चा फिर अपनी उस पुरानी रवेश पे उड़ान भरने लगा। तो इसलिए जरूरी है साफ सुथरा अल्लाह की कसम जरूरी है, वरना नस्लों में तबाही और बर्बादी फैल जाएगी, और अंग्रेज पीछे यही करके गया है, उसका सबसे बड़ा जो तीर बड़े सगीर में चला है उसने कई लाख कुरान भी चलाए हैं दीन को खत्म नहीं कर सका, उसने कई उलमा को फांसियां भी दी हैं, कई सौ कई हजार उलमा को फांसियां भी दी हैं, लेकिन वो इस्लाम को खत्म नहीं कर सका, हर मुमकिन कोशिश की है उसने, लेकिन उसको सबसे ज्यादा फायदा अगर हुआ है अवाम और उलमा के दरमियान दूरी पैदा करके, आज उलमा और अवाम में दुनिया है, कब कब कुर्बत इनकी होती है करीब कब होते हैं जब मीरास के किसी मसले में फंसते हैं, ओ जी पटवारी साहब मसला लिख देते हैं तो किसी थोड़ा ज्यादा हो चुके कोई थोड़ी कोशिश करो मन ऐसे मेहनत करो जरा नहीं भी ऐसा बढ़ता मन ऐसे कोई राह दसो कि मन ऐसा बन जाओ फिर नहीं आ नए नए हो गए मसे मसे हो गए फिसे फिसे हो गए नड़े नड़े हो गए मैं हमारे पास आते हैं ना देखते रहते हैं बड़े बड़े सजे हो जाते हैं क्योंकि था मिस्टर मोहम्मद अली जना साहब मिलने हैं। अच्छा या कहीं कोई बीवी से लड़ते हुए कुछ ऊट पटंग मार दी इसने तलाक शुदा कोई फारिग आजाद अलैदा अलैदगी मुख्तलिफ किस्म की जो लफ्ज है वो बोल दिए कुछ अब बीवी बिगड़ गई दीनदार थी बिगड़ गई या इसको वहां से ही तंग बिगड़ गई वगरना समझते फिर भी उसी होता है तो अब उसने कहा जाओ पहले फतवा लिखवा के लाओ वो तो चली गई अपने मेके और हजरत साहब रोंदे रोंदे आने ओ जी मुझ लुट गया तबाह हो गया बर्बाद हो गया हालांकि चौके में फैल के उलमा के खिलाफ तकरीर बड़ी गलत कर दूंगा सर आज आया ना मौलवी साहब को फंस के तो इसी तरह का कोई भी मसला हो मीरास का हो या तलाक का हो या कोई भी हो अगर नमाजी है नमाज का कोई मसला है ज़कात देना चाहता है सदका खैरात का ज़कात को भी मसला है सारे मसाइल पूछने के लिए दरिया आएगा और मैं यहाँ एक जुमला कहा करता हूँ इबादात के मसले पूछने हमारे ही पास आते हैं निजाम का मसला आता तो कहते हैं मौलवी दस ना कोई कर लेते ये असल पता है ज्यादा निजाम की है चला सा ये हमें पता है कि हम रियासत कैसे चलाएंगे मोहल्ला कैसे चलाएंगे फलाह कैसे चलाएंगे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह
मुख्तसर सी आमदन रखने वाले, आमदनी होती कितनी है सबको पता है मस्जिदों में, लेकिन उस तरफ से बड़े बड़े मदारिस अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी चला रहे हैं कि जिस वक्त में चार चार कमाने वाले, चार आठ आठ खाने वाले वो भी तंग है, वो भी तंग है। तो उस वक्त में अगर वो ऐसे सिलसिले चला सकते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो निजाम को भी बहुत अच्छे तरीके से चला सकते। बहरहाल अर्ज कर रहा था अल बरकतु माल अकाबिर, बरकत अकाबिर के साथ। तो हमारे बड़े कौन है मजहब के अतबार से? उलमा। इनका एहतराम हमारे दिलों में होना चाहिए। अगर चाहते हैं कि हमारा खात्मा ईमान पर हो, चाहते हैं कि हमारे इस मुआशरे में, रियासत में इस्लाम रहे, चाहते हैं कि इस्लाम की हिफाजत करने वाले रहें, चाहते हैं कि हमारी नस्ल में नेक लोग हुफाज पुर्रा उलमा पैदा हों, तो फिर इन बड़ों से मोहब्बत करनी होगी। चाहते हैं कि हमारे मुआशरे में, घरों में बरकत आए, तो इन बड़ों से, मजहब के जो बड़े हैं इनसे हमें मोहब्बत करनी होगी। अलबरकतु माला काबिल, काबिल का दूसरा मतलब मैंने क्या बताया? नस्बी खानदानी बड़े, वालदेन, उनके वालदेन वगैरह वगैरह, ये भी बड़े हैं। आज उनके साथ घरों में क्या सलूक हो रहा है, उनके साथ क्या सलूक हो रहा है? आज जवान औलाद अपने बाप को मुखातब करके वो डायलॉग बोलता है जो दिन को वो फिल्मों में देखता है, वही डायलॉग अपने बाप को बोल रहा होता है। आज बहुत सारे वालदेन अपनी नौजवान औलाद को रात गेट तक उनके राहें तकते रहते हैं कि हजरत किधर से तशरीफ लाएंगे, और हजरत जब तशरीफ लाते हैं तो बजाय इसके कि वो उनके सामने जवाब दे हों क्यों लेट आए हैं, उल्टा आकर वालदेन पर बरसना शुरू हो जाते हैं। सो की जाग दिया, बड़ा सा आंचा है, दरवाजा खोलो, जल्दी खोल दे, की लेट आयो, गड्डियों में जाम जाके थकियां। ये आज की नई नई नस्ल निकली, और बाप माँ बाप डरते डरते तो जी कि था हो कम दे क्योंकि तरबियत के पीछे जी की थी ना। तो वो आगे से कहते क्या करे, अपने कमर में कम रखो, तुम की पता है दौर भी किए चलना पैने, तुम की पता है सीखें की करते हैं की सीखते हैं। तो वो मोटी मोटी आंखें भैंस वाली जो है वो अपने माँ बाप को लड़का भी दिखा रहा होता है, लड़की भी दिखा रहा होता है। फिर कहते हैं बरकत आ जाओ, बरकत किधर से आ जाओ? काम अल बरकत माल अकाबिर, बरकत अकाबिर के साथ। अकाबिर के साथ क्या मतलब होता है? अकाबिर के एहतराम करने के साथ होती है। अकाबिर के साथ तो सुलूक ये चला आ रहा है, उलमा के साथ सुलूक वो चला आ रहा है। बरकत चाहते हैं कि मुआशरे में आ जाए, घर में आ जाए, अल्लाह की कसम नहीं आएगी, नहीं आएगी। काम अपने रविश को देख लो। दूसरी ये बड़े हमारे, मैंने फिर अर्ज करता हूँ, ये मामला बहुत संगीन है हमारे मुआशरे में। ना अपने घरों में बड़ों की कदर है, एहतराम है, ना मुआशरे में मजहब के जो हमारे बड़े हैं उलमा उनकी कदर और एहतराम है। तो इस वजह से तबाही और बर्बादी हमारे जो है वो हमारा मुकद्दर बन गई है। अच्छा, इसी तरह मैं अर्ज कर रहा था कि कुरान करीम कहते औफू बिअहदी, औफी बिअहदी, अपना वादा पूरा करो, मैं भी अपने वादे को पूरा करूंगा। ये अल्लाह ताला इंसानों को मुखातब कर रहा है, ए इंसानों अगर चाहते हो ना कि तुम्हारे ऊपर फरावानी आए, बरकत आए, खुशहाली आए, तो अपना वादा पूरा करो। अब हमारा वादा क्या है? एक वादा तो अलस्त आहदे अलस्त है, अलस्त तो बिरब्बिकुम कालू बला, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? मान के आए हैं, रूहें हमारी मान के आई हैं, बिल्कुल आप हमारे रब हैं, मानना पड़ेगा। रब होने का क्या मतलब है? रब होने का ये मतलब है कि दिल में यकीन भी हो और उसका असर जाहिर पर भी नजर आए। ये नहीं है कि हम अपना पालने वाला रब कहते हैं पालनहार परवरदिगार, हम अपनी दुकानों को, नौकरियों को, मुलाजमत को ही अपना रब समझ बैठे, बरकत के लिए अल्लाह का नाम भी ले लें और कहें कि ये चीजें होंगी तो पलेंगे, नहीं तो मर जाएंगे भूख से, और अल्लाह का नाम सिर्फ लिया भी जाए भूल कर तो बरकत के लिए। तो इसका मतलब यह है कि ये जो वादा हमने हमारी रूह ने किया था, हम उससे गद्दारी कर रहे हैं। पहले तो अपना दिल का यकीन, तसव्वुर, यकीन पक्का बना लें कि राज़िक ज़ात, पालने वाली ज़ात रब कौन है? दुनिया के ये सिलसिले हैं, अगर होंगे तो फिर भी अल्लाह पालने पे आएंगे तो पालेंगे, नहीं होंगे तो अल्लाह फिर भी पालेंगे। देखें ना, वो भी तो आबुल इस्लाम की हिदायत है इस हवाले से कि आबुल इस्लाम ने फरमाया, क्या फरमाया? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو انكم توكلتم على الله
अगर तुम अल्लाह की जात पर तवक्कुल करने पे आ जाओ, हक का तवक्कुल ही जैसे कि तवक्कुल करने का हक होता है। हक क्या मतलब? लरज़क़कुम कमा यरज़ुकुत तैरा, अल्लाह तुम्हें ऐसे रिज़्क़ दें जैसे परिंदों को रिज़्क़ देते हैं। परिंदे कमाई करने जाते हैं, कहीं मुलाजिम है सरकारी, नीम सरकारी, कोई प्राइवेट मुलाजिम लगे हुए हैं, जाते हैं वहां से मजदूरी करके खा के आते हैं। कमा यरज़ुकुत तैरा, जैसे कि परिंदों को खिलाते हैं। तवदूह हिमासा व तरूहु बितारा, कि वो जाते हैं तो कोटे खाली लेके जाते हैं, मेदे खाली लेके जाते हैं, पेट खाली लेके जाते हैं, आते हैं तो बड़े चीं चीं और चूं चूं करते हुए मेदे कोटे अपने भर के शाम के वक्त आ जाते हैं। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह की जात पर तवक्कुल करो, हया वाली नेक सीरत जिंदगी अगर इख्तियार करो, तो हक का तवक्कुल का मतलब यही है कि जाहिर बातिन में यकीन अल्लाह की जात पर बिठा दें। इसका ये मतलब नहीं है दुनिया सारी छोड़ दें, नहीं, दुनिया के काम करें लेकिन अल्लाह की जात पर तवक्कुल और यकीन वो ये हमारा होना चाहिए कि वो अल्लाह ही हमें पाले। तो ये इन चीजों को भी सामने रखना होगा। हम देखें, हम यहाँ पर औफू बियादी, अल्लाह फरमाते हैं मैं अपने वादों को पूरा करो, जो मेरा वादा तुम्हारे साथ हुआ उसको पूरा करो, औफू बियादी को मुझे नहीं याद दिलाओ मैं वादा पूरा करूंगा। अब अल्लाह का वादा है ना, इस्तिग़फ़ार करो, इस्तिग़फ़ार करो, इस्तग़फ़िरु रब्बकुम, तुम इस्तिग़फ़ार करो। अल्लाह फरमाते हैं मेरा वादा है, क्या करूंगा, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, बारिशें बरसाऊंगा। अब हम इस्तिग़फ़ार तो नहीं करते और अच्छा ये दुआ करें जो बादशाह आई टेरे टेरा हो गया फिर बाहर निकल के आपड़ा वही पौड़ी मजा। कोई इस्तिग़फ़ार नहीं, कोई अपने हालात का जायजा नहीं, कोई अपनी जिंदगी का आडट नहीं, एहतिसाब नहीं, अच्छे बुरे की हलाल हराम की तमीज नहीं, उलमा की कदर नहीं, एहतराम नहीं, बड़ों की कदर नहीं, एहतराम नहीं, बस नफ्सा नफ्सी है, तकब्बुर है, फिरौनियत है, दज्जालियत है, और लग जाते हैं जी हाथ उठाएं दुआ करें। इस तरह नहीं होता। इस्तग़फिरु रब्बकुम, अल्लाह ने फरमाया बारिशें चाहते हो मूसलाधार, दिल से इस्तग़फार करो, जुबान से भी नहीं, कि तो इस्तग़फार हो रहा था अंदरों कसौट आए गए, जिसमें हा हुना कल्बी लदैकुम, जिस्म तो इधर ही है, दिल कहीं और दिया हुआ है, फिर रहा है, दिल भी इधर हो, इस्तग़फिरु रब्बकुम। तभी तो इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का नजरिया तो यही था, वो कहते थे असल तो इस्तग़फार है, इस्तग़फार की जाए, ठीक है सलात इस्तिस्का भी है वो भी लोग पढ़ते हैं, लेकिन अगर इस्तग़फार नहीं है तो सलात इस्तिस्का से भी कुछ हासिल नहीं। सलात इस्तिस्का भी जो हम पढ़ते हैं ये कोई सलात इस्तिस्का होती है? हाथ में मोबाइल लिए हुए टच टच करते हुए गप्पे लगाते हुए जा रहे हैं जी पुलिस ग्राउंड, और वहां जाके आगे खुतबा हो रहा है वो इस्तिग़फार का बता रहे हैं मौलवी साहब, पीछे गप्पे चल रही हैं, तू कसको वोट दे सी, मैं कसको वोट दे सा, ठीक है गप्पे चल रही हैं, ए ये बारिश मांग रहे हैं, वो तो फरिश्ते देखते हैं, अल्लाह देखते हैं, वो जड़ी नमाज पढ़ते हैं मोड़ के फिर मुंह अट्ठा जो करो, आई बात समझ। और जब खुतबा होता है तो खुतबा दुआ होती है तो बस मौलवी साहब कोई तमीज आ सकी यार दुआ, और यार बेहद तसीब कोई तमीज आ सकी, ये पीछे इस किस्म की हरदात ये चीजें होती हैं, इस्तिग़फार नहीं हो रही। तो अगर इस्तिस्का करती है तो इस्तिस्का में तो फिर फुकहान है पूरा तरीका भी लिखा हुआ है, जाएं तो आपकी हालत इजहार कैसी होनी चाहिए, आपके कपड़े कैसे हों, आपका अंदाज कैसा हो चलने का, आप उस वक्त आपकी जुबानों पर क्या हो, आप किस तरह चल रहे हो, और इस्तिग़फ़ार करते हुए जाएं, साथ जानवर ले जाएं, साथ जो है ताकि अल्लाह उन पर रहम करे, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया ना कि जब अल्लाह का हक देना छोड़ दोगे तो फिर पानी के कतरे कतरे के लिए तुम तरसोगे, तुम्हारे जानवर ना होते तो मैं बारिश का एक कतरा ना मिलता। अब जानवरों को साथ ले जाओ, शायद कुत्ते ही वजह तो मिल जुले कुत्ते कहीं ठंडा ना, शायद होता शोता नाल जश वसी माशरे का सबसे कम तर जानवर समझते हैं, इसी वजह तो अल्लाह बारिश आता है। तो अब उनको साथ ले जाएं, फिर कहां जाएं, कोई गर्म जगह में किनारे पर इधर उधर सहरा में बयाबान उधर जाएं, और बाकायदा प्लानिंग के साथ जाएं, दूर दराज थोड़ी मुशक्कत में होते हुए जाएं, अपने आप को थोड़ी मुशक्कत वाली जिंदगी से गुजारते हुए जाएं,
ऐसा नहीं है टीप टाप करते हुए पहुंचे 5 मिनट में और 10 मिनट में बात सुनी और 5-10 मिनट में खुतबा सुना और आधे घंटे में वापस घर आ गए। तो ये जो हमारे अमाल बेजान से बेजान तरीकेकार सिलसिले हमारे शुरू कर चुके हैं, तो ये भी हमारे लिए एक धोखे का सबक बन चुके हैं। इस्तिग़फार, इस्तग़फिरू रब्बकुम, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मुझे मेरा वादा ना याद दिलाओ, फिर अपना काम पूरा करो, मैं इंशाअल्लाह अपना काम मुझे याद है मैंने क्या करना है। और हम कहते हैं अल्लाह आसी ने थी आज था बस तुसी मेहरबानी कर सको बारिश दे सको असि तुसा दी बंदे असी जो था यहां उठी रह सको। तो अल्लाह फरमाते हैं नहीं, औफू बियादी, औफू ये अरबी ग्रामर वाले जानते हैं ये शर्त है, उफी बियादीकुम जजा है, और जजा दुनिया का कानून है ग्रामर का, शर्त के बाद आया। तो अल्लाह फरमाते हैं वादा तो पूरा करूंगा लेकिन पहले अपना वादा पूरा करो, ये शर्त है तुम्हारे लिए। बहरहाल ये सारे बरकत और बेबरकती के असबाब और असरात आपके सामने मैं बयान कर रहा था कि हमें अपना जायजा लेना चाहिए, आर्डर करना चाहिए। दूसरों को तो हम करते रहते हैं ना, फलां का एहतसाब कर लिया, फलां का कर लिया, फलां खा गया, फलां लगा गया, फलां के थो कहना आया ये आमदनी है, इतनी कुथवा आ गई, फलां के थो आ गई, तो कोई था कसम होता से बुलाया किसी ने फाकी, ये बकवास करते रहते। इस किस्म की बकवासात को आप सुनते रहते हैं, फारे किस्म के लोग हैं, बेरोजगार किस्म के लोग हैं, बेचारे तरसे हुए लोग हैं, बेसलाहियत लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, नौकरी लगी नहीं है या इस काबिल ही नहीं था कि नौकरी लगती, अभी बैठा है लोगों के रिजक छाप गिनने, फलां इतना कमा गया, फलां इतना बना गया, ये चीजें इनको छोड़ दी है। अल्लाह ने जो कुछ दिया है किफायत से आ रही, कनात के साथ, सबर के साथ, इस्तिक़लाल और इस्तिक़ामत के साथ, सारे मखलूक की खैरख्वाही सामने रखते हुए अल्लाह ने अकल दी है, गैरत दी है, शऊर दिया है, उसको बरूए काम लाते हुए, अच्छे बुरे का इंतखाब करते हुए, देखते हुए इंसान चले, लकीर का फकीर ना बने, शख्सियत परस ना बने, पार्टी परस ना बने, तंजीम परस ना बने, जम्बा परस ना बने, खम्बा परस ना बने, लोटा परस ना बने, इस किस्म की चीजें ना करें। अल्लाह ने शऊर दिया उसके मुताबिक चले, देखे कौन हमारे लिए बेहतर है, नहीं बेहतर, कौन सी चीज बेहतर है हमारे लिए, माशरे के लिए। अल्लाह ताला जो है हम सबको शऊर कामिल और उसके मुताबिक चलने की तौफीक दे।